इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ फोल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ़ आर्या गणित चैलेंज ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर्यभ गणित चैलेंज का फॉर्मेट सेम टू सेम है जो कि लास्ट ईयर भी था ट्वेंटी ट्वेंटी में जब आप इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इस चैलेंज के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है और इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट एंड हाउ टू प्ले क्विज़ एज यूजुअली और इसके बाद में आपकी क्विज स्टार्ट होती है सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा

सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेश्चन्स और इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए राघव मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो के अकॉर्डिंग हमें इन मैथमेटिशियंस को अरेंज करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल महावीर देन इनके बाद में नारायण पंडित देन श्रीनिवास रामानुजन और सबसे मॉडर्न टाइम के हैं सुजाता रामदोराई सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर हाइट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटीन फिफ्टी सिक्स बाई ऑप्शन बी इज करैक्ट नाउ मोविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड दैट अर्थ इज फेरिकल एंड रिवोल्व अराउंड द सन डिस्कवर्ड नाइन प्लेनेट्स एंड कैलकुलेटेड दैट द नंबर ऑफ डेज इन अयर इज थ्री सिक्सटी फाइव तो ये थे इंडिया के महान गणितज्ञ आर्यभ्ट जिन्होंने ये सारी इन्वेंशंस करी थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन फाइव नाइनटी एडी टू सिक्स एट ए डी इंट्रोड्यूस्ड जीरो मल्टीप्लीकेशन ही हैज ऑल्सो शोन तो ये सारी क्वेश्चन को प्रूव किसने किया था ब्रह्मगुप्त ने ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन इन द नेक्स्ट स्लाइड सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका ये रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए सेवन इस क्वेश्चन में करना क्या था कि यू आर गिवन द स्केच ऑफ इनग्रेविंग्स और यहाँ पर एक अननोन नंबर है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सेवन नाउ क्वेश्चन नंबर एट अगेन दिस क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस्ड एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी नेवर क्वेश्चन नंबर नाइन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिसाइकल इज एज हाउ विल पिक्चर बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज तो रिसाइकल को हमने इस पैटर्न में लिखा है इस कोड में लिखा है तो अगर पिक्चर को भी हम सेम पैटर्न में लिखना चाहें तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा सो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी 11, 18, 24, 7, 6, 9 एंड 22. टू मोविंग टू क्वेश्चन नंबर टेन आइडेंटिफाई द नेक्स्ट फिगर इन द सिक्वेंस ऑप्शन आर एज फॉलोज सो इसके बाद में जो फिगर आएगा वो रहेगा आपको ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूड जीरो पॉइंट जीरो वन फोर फोर इंटू वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट टू देन वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट स्टेटमेंट वन द प्रिंसिपल अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड फॉर थ्री ईयर्स स्टेटमेंट टू द इंटरेस्ट अर्न इज रुपीजन फाइव फाइव सिक्स अब यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवेन है और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सफिशियंट है फॉर फाइंडिंग आउट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन रहेगा तो आप रेट कब फाइंड आउट कर सकते हैं वेन द प्रिंसिपल इज गिवन ठीक है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशियंट फॉर फाइंडिंग आउट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ डोट्स इन द फॉलोइंग फिगरेटिव सीक्वेंस द काउंट ऑफ डोट्स गोज लाइक वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन सो इसके बाद वाला जो ट्रेंगल रहेगा उसमें ट्वेंटी वन डोट्स रहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देर आर ट्वेंटी फाइव हॉर्सेज अमंग विच द फास्टेस्ट थ्री हॉर्सेज आर टू बी सिलेक्टेड और एक बार में वहाँ पर एटमोस्ट फाइव हॉर्सेज की रेस हो सकती है तो हमें बताना है कि टॉप थ्री हॉर्सेस को सिलेक्ट करने के लिए कितनी बार रेस करवानी होगी सो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन सी सेवन टाइम्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज बेस्ड ऑन केस स्टडी और इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए रुपीज थ्री सेवेंटी फाइव मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटींथ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो यहां पर फोटो गिवन है और यहां पर इनके बारे में कुछ बताया गया है ये कौन से मैथमेटिशियन हैं तो ये होंगे मंजुल भार्गव ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में भी हमें बताना है कि यहां पर जो मैथमेटिशियन है इनका नाम क्या है और यहां पर अगेन इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है तो इनका नाम रहेगा नीना गुप्ता ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर एटीन एरिया ऑफ द रेड स्पोर्टेड रीजन इन स्क्वेयर सेंटीमीटर द फॉलोइंग रेक्टेंगल ऑफ टेन सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर इज तो यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में जो रेड स्पोर्टेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइन आउट करना है तो इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव पाई ऑप्शन सी इज करेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, है जल्द ही इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर 19 में कहा हुआ है कि एक टेट्राहाइड्रन पैक में कुछ बोल्स को अरेंज किया गया है तो उस टैक में कितने नंबर ऑफ बॉल्स होंगे तो इसका एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्स होंगी 55 ऑप्शन सी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मीराज मदर आस्ट पार्ट्स और इसके बाद में यहाँ पर पैरल लाइन्स और ट्रांसवर्सल बेस्ड ये क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर हमें ये एंगल एक्स फाइंड आउट करना है सो क्वेश्चन इज वेरी इजी इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए ठीक है 45 फाइव डिग्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वन रामावास सोलिंग मैस्टिक पजल्स और वहां पर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है पहले में कहा हुआ कि अगर वो फोर मैस्टिक रिमूव करता है तो उसके पास फाइव स्क्वेयर बचेंगे ऑफ द सेम साइज एंड इफ ही रिमूव फोर मैस्टिक्स देन ही गोट सेवन स्क्वेयर तो हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होंगी कैसे करेक्ट होंगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पर एक स्कूल में स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है है डिफरेंट स्ट्रीम्स ठीक और ऑनलाइन क्लासेस में उनका एनरोलमेंट इतना इंक्रीज हो जाता है ठीक है हर एक स्ट्रीम का तो हमें बताना है रेशियो ऑफ एनरोलमेंट इन ऑनलाइन क्लासेस मतलब पहले ये रेशियो था और उसमें अगर इतना इंक्रीज होगा इतना परसेंट इंक्रीज होगा तो बाद में क्या रेशियो रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी टू इज टू थ्री इज टू फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग डायग्राम तो ये डायग्राम आपके पास गिवन है और हमें बताना है कि यहां पर कौन सा लेटर आएगा तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट भी आपका सिंपल है यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पैराग्राफ given below एंड आंसर 20 क्वेश्चन 24 फोर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सो अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केस स्टडी यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है मैथमेटिक्स टीचर और उसके कुछ क्राइटेरियाज पर गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस कम्पिटिशन का विनर कौन होगा ठीक है तो इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा निरंजन ऑप्शन डी इज करेक्ट अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2021 का ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड स्टूडेंट्स अगेन केस स्टडी क्वेश्चन है लैंग्वेज काफी बड़ी है इस क्वेश्चन की भी एंड दिस इज बेस्ड ऑन परसेंटेज सो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो ये हुए आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑफ ए जी सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा यू जस्ट कम्प्लीटेड आर्यभनी चैलेंज एंड स्कोर आपका यहाँ पर शो होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आर करेक्ट ठीक है तो स्टूडेंट्स ये था हमारे आज की वीडियो में आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ दीज ट्वेंटी वेरी सुन सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू